नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं बेबाक बात। इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य हमारे साथ में हैं। लाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। एक तो आपको बधाई, आप मध्य प्रदेश के नेता के रूप में जाने जाते थे, अब राष्ट्रीय स्तर पर आपको कार्य दिया गया है। नई जिम्मेदारी मिली है 8 महीने पहले और पार्टी के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमारे ऊपर ये विश्वास किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं उनके आशा पर खरा उतरूँ और पार्टी के संगठन के विस्तार में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए और आगे तक ले जाने ये का काम अनुसूचित करूँ। जो जाति मोर्चा है, क्या क्या कार्य करता है? संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सात मोर्चों में एक अनुसूचित जाति मोर्चा भी है। मोर्चा पार्टी यानी कि संगठन, तो संवैधानिक व्यवस्था पार्टी की है, उस व्यवस्था के अनुसार मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से संगठन का गठन करना, अनुसूचित जाति के क्षेत्र में जितने भी रचनात्मक हम काम कर सकते हैं, सेवा के भाव के काम कर सकते हैं, और शासन की जो योजना है, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, अनुसूचित जाति के लोगों को ठीक कैसे मिले, इसका हम कैसे माध्यम बन सकते हैं। और जितने भी महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, झलकारी बाई है, इनको कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति अपना महापुरुष मानता है, जबकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। तो मोर्चे के माध्यम से उनके विचार और उनकी प्रेरणा ये लोगों तक पहुँचे, मुझे लगता है अनुसूचित जाति इस क्षेत्र में काम कर रहा है। और 8 महीने में हमने इसको ध्यान भी दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर को लोग केवल आरक्षण और संविधान निर्माण को यहाँ तक मानते हैं। बीच में तो ये हो गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो वो तो बीएसपी के पितृपुरुष हैं, खाली बीएसपी वालों के नेता हैं, बाकी लोगों का क्या लेना देना। मुझे लगता है किसी भी महापुरुष को जाति में बांधना उसका अपमान करना है। किसी भी महापुरुष को वोट के लिए एंगल बनाना, ये भी मुझे लगता है उसकी प्रेरणा पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। बाबा साहब अम्बेडकर को लोग केवल इसलिए जानते हैं या जाना जाता है कि उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू की और संविधान दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सतलज जैसे बड़े डेमोक्रेसी की कल्पना की, आरबीआई की कल्पना की, स्थापना की, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, जिसके कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, नेहरू जी ने बात नहीं मानी, उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, अलगाव का कारण बन सकती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमिकों के उत्थान और विकास के लिए बात की। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब सार्वभौमिक थे, सभी का चिंतन करने बाबा साहब सार्वभौमिक थे। अब तो ये कहा जाता है कि पहले बाबा साहब जो थे कांग्रेस की निजी संपत्ति थे, उसके बाद बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी की हो गए, और अब बाबा साहब को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया इन दोनों से। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से ही अपनी संस्कृति में यह ढाला है कि जितने भी हम महापुरुष हैं उनका हम पुण्यतिथि, उनका जन्म जयंती, उनकी प्रेरणा लेकर हम काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी महापुरुष को अपने वोट बैंक का आधार नहीं बनाया, उसको अपना आदर्श मान के चले हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमने अगर वोट बैंक माना होता तो हम केवल उनकी बात करते, वोट का पड़ते। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का कभी सम्मान ही नहीं किया। नंबर वन, उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में होनी चाहिए थी, परिनिर्वाण भूमि उनकी वही थी, लेकिन कांग्रेस के समय ना तो उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में हुई, ना उनका कोई राष्ट्रीय स्मारक बनाया। मध्य प्रदेश में जन्म स्थान हुआ, वहां भी उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। नहीं, वहां तो आपकी सरकार में जब आप मंत्री थे तब बनाया गया। नहीं, वो आदरणीय शिवराज सिंह जी ने बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने वहाँ उसका उद्घाटन शिलान्यास किया था। थावरचंद जी का उसमें प्रयास था, जटिया जी के प्रयास से इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बना है दिल्ली में जनपद पे, ये थावरचंद जी के समय। तो कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश की धरोहर हैं, जिनकी जयंती अब संयुक्त राष्ट्र संघ भी मनाती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जाए तो समझ में आती है, लेकिन अभी मैंने सीए में देखा लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाया। अब सीए से बाबा साहब अम्बेडकर क्या मतलब है? क्योंकि सीए में जब देश का विभाजन हुआ था
तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पाकिस्तान में जितने लोग इस भारत के लोग रह गए हैं उन्हें तत्काल समय पे आ जाना चाहिए भारत वापस, क्योंकि उनके साथ वहाँ अन्याय हो सकता है। और वो ही हुआ कि पाकिस्तान में जितने लोग हमारे रहेगा, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बौद्ध हो, इन सब के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, ज़मीनें लूटी गई, बलात्कार की घटनाएं हुई, महिलाओं का अपमान हुआ। और वही 20 लोग 25 साल पहले जिन लोग आ गए उनको सीए के माध्यम से भारत की नागरिकता दी ताकि उसको वोट मिलने का डालने का अधिकार हो जाए, चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाए, नौकरी मिलने का अधिकार हो जाए, रोजगार मिलने का अधिकार हो जाए। तो इस पर भी लोगों ने विरोध किया। नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा किया, भारत के आम नागरिकों की भावनाओं का आदर किया, लेकिन उसका विरोध किसने किया? तो सीए का विरोध करने का मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना, सीए का मतलब है संविधान का विरोध करना। और वही लोग सीए में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा के वो देश को गुमराह कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो देश को गुमराह करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों को जवाब हमें कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के राष्ट्रीय विचारों के माध्यम से, चाहे वो महात्मा गांधी का राष्ट्रीय विचार हो, चाहे सरदार पटेल के हो, इन सब के राज जो भारत के सशक्तिकरण के जो आदर्श है उनको हम सामने रखने का काम करते हैं। पंडित दीनदयाल जी ने कहा तो पंडित मैं आपको रोकूंगा। मेरा सवाल ये था कि जैसे दीनदयाल जी की बात की, दीनदयाल जी बीजेपी के नेता थे, जनसंघ के नेता थे और पितृपुरुष माने जाते हैं। ऐसे ही गांधी जी कांग्रेस के थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी पहले कांग्रेस के थे, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको कैप्चर कर लिया दलितों के नाम पे। उसके बाद गांधी जी को और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया। ये दल अब इनके पास जो दो नाम थे वो दो नाम ही नहीं बचे उनके। मुझे लगता है गांधी जी को भी अगर हम कांग्रेस का नेता मानेंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। कांग्रेस तो यही मानती थी कि वो नहीं के नेता। देश की आजादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और लंगोटी लगा के किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श है। लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी ने देश के विभाजन के बाद, सरकार बनने के बाद कहा इस कांग्रेस को अब समाप्त करने देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन थी, राजनीतिक दल नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहते थे कांग्रेस बने। लेकिन गांधी जी का नाम भुनाकर सत्ता है प्राप्त कैसे करना, वोट प्राप्त करने करना, ये षड्यंत्र उन दलों के हुए हैं। हमने महात्मा गांधी को श्रद्धा माना है, विश्वास माना है, देश का महापुरुष माना है, इसलिए हम जयंतियाँ मनाएं तो वोट बैंक माना जाए, और वो जयंतियाँ मनाएं और उनका कोई बताए हुए मार्ग पे भी नहीं चले। अब बताइए, महात्मा गांधी जी ने कहा कुटीर उद्योग बनना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा गरीबों की सेवा होना चाहिए, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा, दीनदयाल जी ने कहा अंत्योदय, दूर पर खड़े हुए व्यक्ति को पहले बिका। तो उनके बताए हुए आदर्शों को मानते हुए हम योजनाएं बना रहे हैं। तो हम ज़्यादा आदर कर रहे हैं कि वो आदर कर रहे हैं? वो वोट बैंक मानते थे, हम श्रद्धा मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर लोगों का कल्याण करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारी तो जो परंपरा, आप संघ से भी जुड़े रहे हैं, स्वयंसेवक के रूप में भी आपने काम किया है, संघ समरसता की बात करता है, संघ जात पात को दूर करने की बात करती है, लेकिन राजनीति शुरू होते ही जात पात हो जाता है कि ये फला सीट, ये ढिमके की सीट, इस नेता का इतना वोट बैंक। स्वाभाविक है, ये भारतीय समाज में एक बड़ा कारण है सोचने का। लोगों ने राष्ट्रीयता को छोड़कर जातियों पर ध्यान देना प्रारंभ किया है और उसी का परिणाम है कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो केवल उसी हिसाब से वोट भी मांगते हैं, उसी हिसाब से निर्णय भी करते हैं। लेकिन एक धारा बन गई देश में, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस जाति को टारगेट करते हुए कोई निर्णय नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब योजना जाति के लिए नहीं है, धर्म के लिए नहीं, सबके लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या कहते थे? वो कहते थे देश के अर्थव्यवस्था पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है सबको बराबरी का अधिकार, समता का अधिकार, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बराबरी का अधिकार संविधान देता है। संविधान किसने बनाया? अम्बेडकर जी ने लिखा। उस कमेटी के लोग कौन थे? सरदार पटेल भी थे, नेहरू जी भी थे। तो संविधान की बात को नकारने का मतलब है इन सारे महापुरुषों का अपमान करना। ये कौन करता है? ये सपा करती है, ये बसपा करती है, कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री तो सीधी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं सेवक हूँ, जनसेवक हूँ, लेकिन
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितनी योजना अभी बनाई है, आप बताइए देश में 65% गरीब लोग रहते हैं, 57 साल जिनकी केंद्र में सरकार रही हो, उन्होंने कभी ये विचार नहीं कर पाए गरीबों को मकान देना, सड़कों पर बैठने वाली महिलाओं को हमें सम्मान देना, शौचालय से हमें उनके इलाज की कोई व्यवस्था करना है, ये कौन सोचता है? ये वो सोचते हैं जो गांधी जी को ईमानदारी से मानते हैं, जो दीनदयाल जी को ईमानदारी से मानते हैं, ऐसे आदर्श महापुरुषों को देखते हुए योजनाओं का निर्माण करना है। तो स्वाभाविक है हम जात से विचार नहीं करते, और जात से विचार कर रहे होते तो इतनी योजनाएं हमने जाति के हिसाब से नहीं बनाई, लोगों के कल्याण के हिसाब से बनाई। लाल सिंह साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है वो सिर्फ लोगों के लिए बनाई है, जाति के लिए नहीं। और भारतीय संस्कृति वैसे भी कहती है कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हम जिस परंपरा के संवाहक हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं, हम लोगों में एक दूसरे में ईश्वर का वास मानते हैं और काम करते हैं। लाल सिंह आर्य से बातचीत का ये दौर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल सिंह आर्य इस समय मौजूद हैं। लाल सिंह जी, आप मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, तो अपने कार्यकाल से संतुष्ट रहे या कुछ रह गया करने के लिए? मुझे लगता है जिम्मेदारी चाहे राजनीतिक संगठन की हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे सत्ता की हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति का मुकद्दर भी काम करता है। मुझे शिवराज जी ने और संगठन ने मंत्री बनने की जिम्मेदारी दी थी, और राज्य मंत्री होने के बाद, फिर स्वतंत्र प्रभार के बाद, मुझे लगता है नर्मदा घाटी में हमने काम किया हो तो आप देख लीजिए डैमों के जाल बिछाए हैं, नहर की परंपरा को छोड़कर हमने पाइप लाइन डाल के लोगों को कुंभ जैसे स्थान पर हमने 14 महीने के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया है। मेरे पास अनुसूचित जाति विभाग आया 1 साल के लिए, तो आप देख लीजिए अनुसूचित जाति की योजनाओं में भी बहुत बड़ी जंप ली थी। आपने खूब बच्चों के हॉस्टल खुलवाए, और जो अनुसूचित जाति की बस्तियों में जो एक भवन बनता है जिसकी कीमत कभी 2 लाख कभी 4 लाख, उसकी मास्टर राशि तय कर दी 10 लाख से नीचे नहीं बनेगा, मंगल भवन जो मंगल भवन बनना चाहिए। GAD हमारे पास था तो 1,22,00,000 अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा घुमक्कर अर्ध घुमक्कर जाति के जो बच्चे SDM तहसीलदार कार्यालय का चक्कर लगाते थे प्रमाण पत्र के लिए, जिससे 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता था, देश के होने के बाद भी आप बताइए कि हम ऐसे ही गए हैं। हमने एडमिशन के समय, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की एडमिशन के समय ही स्कूल में ही, आप बताइए, वहाँ फॉर्म भर के SDM पे जाता था, उसका परीक्षण पटवारी करने जाता था, डिजिटल हस्ताक्षर युक्त लेमिनेटेड हमने 1,22,00,000 प्रमाण पत्र उनके स्कूल में बांटने का काम कर दिया। कलेक्टर जिन जिलों में धीमी गति से बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी वर्चुअल बैठक में कहा था अधिकारियों से, हम आपकी CR से जोड़ेंगे। इतनी संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाई, जिसका परिणाम हुआ 1,22,00,000 प्रमाण पत्र बना के दे दिए। अनुकंपा नियुक्तियों में बहुत पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति में भी किसी का बेटा नहीं है तो किसको देना चाहिए, तो भले ही लड़की शादी हो गई हो तो हमने उसका भी प्रावधान किया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन बेटा बेटी भी नहीं हो तो किसको मिलना चाहिए, आखिर बुजुर्ग कैसे जिएगा। तो रजिस्टर्ड अगर गोदनामा ले लिया है उसको भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार दिया। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया था, संगठन ने जो विश्वास किया, मैंने पिछले 5 वर्षों में उनकी आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश की, जन सहयोग की दृष्टि से हम क्या निर्णय कर सकते वो भी किए, और भगवान की कृपा है कि 5 साल के इस कार्यकाल में हमने अपने ऊपर कोई दाग भी नहीं लगने दिया, और आज पार्टी ने हमें राष्ट्रीय। लाल सिंह जी, बहुत अच्छे काम आपने किए, शिवराज जी की सरकार ने किए, सब बहुत अच्छा था, फिर ऐसा अचानक क्या हुआ 2018 में कि सब कुछ उल्टा हो गया? मुझे लगता है कि वो कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने और जो भी विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने 3 प्रकार की भ्रांतियाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में फैलाई और सामान्य वर्ग को फैलाने का काम किया। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति में क्या फैलाया गया, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो सकता है, नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तुम्हारा संविधान खत्म कर रहे हैं, तुम्हारा SC ST एक्ट खत्म कर रहे हैं,
जबकि अटल बिहारी 6 साल प्रधानमंत्री रहे तब भी कोई ऐसा नहीं हुआ, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी भी 5 साल पहले से और 7 साल हो गए तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके बीच में भ्रम पैदा करना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी रैली में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे ऐसा कोई विषय कहा जिसको सामान्य लोग कह दिए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं माइकी लाल वाली। हाँ, तो इस प्रकार की जो मतलब विकास के आधार पर वोट नहीं मांगा उन्होंने, आगे हम क्या प्लान करेंगे ये नहीं किया, जनता को झूठ बोला एक तरफ भ्रम, दूसरा तरफ किसानों से झूठ बोला हम कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारों से कहा कि आपको 4,000 रुपये महीना देंगे नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं तो नौकरी देंगे, शिक्षा कर्मियों से कह दिया अस्थाई जो थे हम उनका पक्का करेंगे, जो डॉक्टर थे उनसे बोल दिया कि हम आपको स्थाई करेंगे। तो सब लोगों को लग रहा है यार ये कर सकते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास था वो 1 साल के भीतर ही समाप्त हो गया। कमलनाथ जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी वो झूठ की दीवारों पर खड़ी थी, नहीं वो असत्य की दीवारों पर खड़ी थी, वो गिर गई। बीजेपी का तो लेकिन जो सीटें थी वो कम हो गई थी और सत्ता से बीजेपी, मैं वही कह रहा हूँ, उसके बाद ये मंथन किया कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वो आगे ना हो। मुझे लगता है कि सत्ता हो या संगठन हो, चुनाव जीते चाहे हारे, सत्ताएं बने नहीं बने, समीक्षा तो हर चीज की होती है, हमारे यहाँ भी समीक्षा हुई है, कहीं ना कहीं ये विषय में बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आए ही होंगे तब मैं कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर पिछले 1.5 साल का कार्यकाल और अभी का शिवराज जी का 1 साल का कार्यकाल का आप देखेंगे तो मूलभूत अंतर है। 1.5 साल में भ्रष्टाचार में आकंठ टूटी हुई एक सरकार थी, लोग ऊपर से नीचे तक कम समय मिला है, सीटों का अंतर कम है, जल्दी करिए कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी देखिए शिवराज जी आए जो योजनाएं बंद कर दी थी उन्होंने फिर से चालू हो गई और एक विश्वास पैदा हो गया लोगों में कि शिवराज जी आए हैं तो किसानों का भी संरक्षण होने लगा। शिवराज जी की फिर से सरकार बनी इसमें ग्वालियर चंबल का बड़ा भारी योगदान है, स्वाभाविक है। सिंधिया जी नहीं होते तो सरकार नहीं बनती, स्वाभाविक है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और माननीय आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कांग्रेस ने वास्तव में बहुत अपमान किया है, क्योंकि एक नेता को का चेहरा सामने करके और उसको उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना ये बड़ा अपमान था उनका। नंबर वन मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके बाद भी उनको शायद विश्वास में उसमें नहीं लिया होगा, कहीं ना कहीं वो अपमानित महसूस कर रहे होंगे। फोटो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखाया और दूल्हा बना दिया कमलनाथ जी को। तो वो कांग्रेस का निर्णय था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ने अपने निर्णय में ये पारदर्शिता नहीं बरती, उसका ही दुष्परिणाम था कि उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और शायद याद रखा कि ये वो पार्टी है जिसको बनाने में राजमाता विजय राजे सिंधिया का त्याग तपस्या बलिदान लगा है, वो राजमाता जी को मान सम्मान आज भी नहीं है दुनिया में, इस भी भारतीय जनता पार्टी स्मरण करती है। उनके ही परिवार की बुआ जी को राजस्थान का सीएम बनाया 2-2 बार, तो उनको लगता है कि कांग्रेस में सिंधिया परिवार के लिए वो सम्मान नहीं है, उनको लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देती है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपनी। लेकिन चर्चा तो ये भी बीच बीच में चलती है कि उनकी जो निगाह है वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, वो चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब मुझे लगता है कि ये सब कयासबाजियां हैं, हमारे पास कोई यंत्र भी नहीं है कि कौन सा आदमी क्या सोच रहा है, काश ये यंत्र होता, तो वो यंत्र नहीं है। मुझे लगता है कि सिंधिया जो परिवार है वो सम्मान का बहुत ध्यान रखता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान का भी ध्यान रखती है और वो भी सामंजस्य की राजनीति का आपने अभी देखा होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सरकार बनी है वो सरकार उन्होंने इसलिए बनाई है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से वो परेशान हो गए थे, वहाँ वादे पूरे नहीं हो रहे थे इसलिए लोग उनसे पूछते थे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, आपने अभी बात की कि उधर दूल्हा बदल गया और यहाँ तो चर्चा ये होती है कि यहाँ तो बारात में हर बाराती दूल्हा बनने को तैयार बैठा है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है कि पार्टी का नेतृत्व या विधायक दल कोई तय करता है उसे एक एक सिपाही नीचे तक मानता है, ये हमारा कैडर है कि पार्टी का नेतृत्व जो तय कर देता है उसके खिलाफ कोई कार्यकर्ता कभी बोलता नहीं है, क्योंकि उसको पार्टी के कैडर पर विश्वास होता है। और इसलिए देखिए 28 चुनाव हुए,
बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जो वहाँ स्थापित उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते नजर आ रहे थे। यही तो कैडर, यही तो हमारी पहचान है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद कयासबाजियाँ हैं कि ये बनना चाहता वो बनना चाहता। राजनीतिक अपेक्षाएँ आकांक्षाएँ होती है, लेकिन मर्यादा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है तो ये बड़ी पहचान। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में जो सेकंड लाइन है मुख्यमंत्री पद पर जो भी रहते हैं, शिवराज जी रहे, उमा जी रहे, बाबूलाल गौर साहब रहे, उसके बाद भी तमाम सारे नेता ऐसे हैं जो बड़े कैपेबल हैं सीएम पद के लिए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कैपेबल है, ताकतवर, सक्षम है, उसमें नेतृत्व की क्षमता है, उसमें बौद्धिक कला है, उसमें प्रशासनिक क्षमता है। वो एक समय चला गया जब प्रोपेगेंडा था कि भाजपा को प्रशासन नहीं आता है, नहीं तो हम दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बन गए, नहीं तो हम चौथी बार प्रधान मुख्यमंत्री कैसे बन गए, विभिन्न राज्यों में हम आज 19 से 21 जगह पे है तो कैसे हैं। इसका मतलब है जनता ने स्वीकार कर लिया, सील लगा दी कि प्रशासनिक क्षमताएं भी आती है। कांग्रेस का तो पहले नारा ये होता था हाँ कि जन जन से हमारा नाता है और सरकार चलाना आता है। हाँ, वो क्या नारे देते हैं, उस प्रकार के नारे बनाते हैं जिसमें जनता भ्रमित हो जाए। उनने एक नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, हमको जिताओ, गरीबों ने वोट दे दिया। बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे, वो भी ठगा महसूस हुआ, उनको भी कुछ नहीं मिला। नारा देने में कांग्रेस से बड़ा चालाक कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करती है, वो नारा देते हैं, उनकी भ्रम को, षड्यंत्र को देश की जनता समझ गई है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे एससी एसटी के लोग हों, चाहे महिला हो, उनने देख लिया कि ये बोलते हैं करते नहीं हैं, इसलिए उनकी दुकान बंद हो गई। उनकी शटर दुकानों के बंद हैं, थोड़ा सा खुला है, और इसलिए वो षड्यंत्रों पर तैयार हो गए हैं। जैसे राहुल गांधी जैसा नेता राष्ट्रीय अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं, वो छोटे छोटे कमेंट करना, कभी प्रधानमंत्री का अंकसूची गड़बड़ है, कभी प्रधानमंत्री जी ने ये किया, कभी भ्रम के बादल सीए के खिलाफ खड़ा करना, कभी किसान आंदोलन पर कोई भी टिप्पणी कर देना, कभी और विषयों पर कोई टिप्पणी कर देना। तो कुल मिलाकर विपक्ष केवल और केवल आज षड्यंत्र और भ्रम की राजनीति कर रहा है। आप देखने को ही मिलेगा, वैक्सीनेशन खराब है, बीजेपी की वैक्सीनेशन है, बछड़ा का फलाना मामला है। ये बात तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने कहना शुरू की थी। अब दिग्विजय सिंह जी तो क्या कहें क्या नहीं कहें, भगवान ही मालिक है। वो हवा में तीर चलाने वाले नेता हो गए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति को हवा में तीर नहीं चलाना चाहिए, प्रामाणिक बात करनी चाहिए। इस देश को बनाने में, आज़ादी दिलाने में इस देश के हर वर्ग जाति के लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए इस देश के मान सम्मान के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, दल छोटे हैं, जातियाँ और धर्म छोटे हैं, देश बड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, कार्यकर्ता थर्ड। उनके यहाँ कहा जाता है वोट फर्स्ट, पार्टी फर्स्ट, देश सेकंड। तो देश सेकंड मानोगे तो लोग सत्ता से नीचे उतार देंगे। आपने फर्स्ट देश को नहीं माना, उसी का दुष्परिणाम है कि देश के लोगों ने आपको गद्दी से मुक्त कर दिया है। और मुझे भविष्य में भी कहीं कांग्रेस अब लगती नहीं, दो चार राज्यों में रह गई है, आने वाले समय में वो भी दुकान बंद होने वाली। इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी खूब तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि बस हमारी सरकार बनने वाली है, फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुझे लगता है पहलवानी बहुत करते हैं अखाड़े में, लेकिन गोल्ड मेडल सबको नहीं मिलता है। वो राजनीतिक पहलवाने करते रहिए, लेकिन जब तक पहलवान में टेक्निक नहीं होगी, टेक्निक का मतलब है जब तक आप लोगों के कल्याण से नहीं जुड़ेंगे, आप सही नहीं बोलेंगे, आप सही नहीं करेंगे, आपके निर्णयों में पारदर्शिता नहीं होगी, आपकी सरकार के संचालन में एकाग्रता नहीं होगी, वो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। वो तो ये कहते हैं हम तो 2 लाख भी देने वाले थे, हम तो बैंड बजाने की ट्रेनिंग से लेके ढोल चराने की ट्रेनिंग से छोटे काम से लेके बड़े उद्योग लाने तक सब करने वाले थे, हमको समय नहीं मिला, हमारे साथ गद्दारी कर दी। आपको 1.5 साल का समय मिला तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बैंड वाला स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए था आपको, बड़ा बनाना। आप ऊपर से नीचे चलते, आप कह रहे यार इसको बैंड बजाओ, बैंड बजाने का रोजगार देंगे आप, यानी कि आप बेरोजगारों को अपमान कर रहे थे, आप गोबर डालने का काम कर रहे हैं। उस पे कहते हैं कि साहब मोदी जी ने भी कहा था कि पकौड़े बनाना भी रोजगार है। रोजगार है, उसकी खुद की स्वीकारता पर, उसके पेट पालने के लिए कोई काम करता तो अलग बात है, लेकिन ये संस्कृति ठीक नहीं है कि सरकार निर्णय ले। सरकार के पास एक साधन नहीं होते, कई साधन होते हैं,
सरकार चाहे, अभी देखो राजस्थान में छत्तीसगढ़ में संविधान के विरोधी निर्णय ले लिया गया, सीधा अपने नेताओं के लड़कों को एसडीएम बना दिया। तो मेरा कहना है वहाँ एसडीएम बना रहे अपने बच्चे को और यहाँ बैंड बजाने वाला बना रहे, ये दोधारू संस्कृति नहीं चलेगी। गरीबों के साथ अन्याय और अपनों के साथ अन्याय, ये संविधान और कानून नहीं कहता है, कानून कहता है, संविधान कहता है समानता का अधिकार। अच्छा ये बताइए लाल सिंह जी, आप राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, एक विधायक के रूप में खूब काम किया दिग्विजय सिंह की सरकार में, आपने शिवराज जी के साथ मंत्री के रूप में काम किया, युवा मोर्चा में तमाम पदों पे काम किया, सबसे ज़्यादा आनंद किस काम में आता है? मुझे लगता है कि सत्ता का अपना अलग अनुभव है और संगठन का अलग अनुभव है। संगठन का जब विस्तार करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, पहचान बनती है, देश की समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनके निदान के रास्ते मिलते हैं, पूरे देश की संस्कृति क्या है, भाषाएं क्या है, इससे परिचित होते हैं, वहाँ की जीवन पद्धतियाँ क्या हैं उससे रूबरू होते हैं, उसके बारे में फिर आने वाले समय में क्या अच्छा होना चाहिए विचार आते हैं। सत्ता जब चलाते हैं तो एक विभाग होता है, उस विभाग की मर्यादा में रहकर काम करना पड़ता है। तो संगठन एक समुद्र है, सत्ता का एक विभाग एक छोटा सा जगह है, लेकिन दोनों के अपने अपने अनुभव हैं। सत्ता के माध्यम से आप लोगों का कल्याण कर सकते हो, संगठन के माध्यम से आप एक बड़ी श्रृंखला तैयार कर सकते हो। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अधिकांश नेता चाहते हैं कि मंत्री बन जाएं बस। मुझे लगता है कि मंत्री और पद ये चाहने से नहीं मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, हमारे पुरखाओं के कहीं ना कहीं आशीर्वाद होता है और आपका परिश्रम होता है। मुझे लगता है कि भौगोलिक जातिगत ये सब कहीं ना कहीं निर्णयों में आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि बहुत कैपेबल लीडर है लेकिन अब वो भौगोलिक समीकरण भी साधना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अनुसूचित जाति को लेकर मध्य प्रदेश में स्थितियाँ बिल्कुल ठीक हैं, आप तो देश भर में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी सुधार की जरूरत है, अभी भी अनुसूचित जाति के क्षेत्र में, जनजाति के क्षेत्र में बहुत काम की आवश्यकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आरक्षण की प्रक्रिया हुई उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था बहस के समय कि ये आरक्षण हमारे लिए बैसाखी है, हम इस बैसाखी पर नहीं चलना चाहते, दौड़ नहीं सकते इससे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से बराबरी लाने के लिए, देश को सामाजिक समरसता में ढालने के लिए ये जरूरी है। तो कितने साल के लिए बैस चली? 10 साल के लिए बहस चली, तो फिर ये अधिकार किसको दिया जाए कि ये बराबरी पे लाना है? तो सरकार किसकी है? फिर कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार है तो 10 साल उनका अधिकार क्षेत्र का था, उनको सबको बराबरी पे लाना था, लेकिन कांग्रेस ने इस आरक्षण को, अनुसूचित जाति को, उनका विकास न करते हुए, कल्याण न करते हुए उसने अपने सत्ता का अधिकार मान लिया, और इसलिए अनुसूचित जाति को भड़काना, अनुसूचित जाति में भ्रम पैदा करना, आरक्षण का वो दिखा के उनसे वोट प्राप्त करना, ये उन्होंने किया। उसका परिणाम ये है कि अटल जी को शिक्षा अभियान चलाना पड़ा। अगर 57 साल अच्छा काम किया होता, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कांग्रेस ने इस देश के साथ बहुत अन्याय, बहुत अपमान किया है। 57 साल बहुत बड़ी होती सत्ता की भागीदारी। आप चाहते हैं सने सने थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो आज कहीं झोंपड़ियां नहीं मिलती गरीबों की। आज दलित समाज भी अपने आप को ठगा महसूस नहीं करता, और इसलिए वो ही राज्य कांग्रेस के ऐसे जहां उनकी सरकारें हैं, हो सकती है बरगलाने से अनुसूचित जाति उनके साथ खड़ा हो जाता हो, पूरे देश में अब अनुसूचित जाति कांग्रेस से दरकिनार हो गया। अच्छा, एक डिमांड और बीच में आती है आरक्षण को लेकर कि आरक्षण तो हो लेकिन आर्थिक आधार पर हो। मुझे लगता है कि देश में जब तक अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे आपके मानसिक रूप से हो, जब तक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आम आदमी को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, तब तक संवैधानिक व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। जिस दिन वो चीज़ होती है तो हम ही लोग कहते हैं कि ये तो बहुत आसान है भाई, वन नेशन की जब हम बात करते हैं, जब वन एक देश एक कानून की बात करते हैं, और एक शिक्षा नीति भी अगर हम लागू करते हैं, वही अनुसूचित जाति का बच्चा पढ़े, वही एक आईएएस का बच्चा पढ़े, वही नेताजी का बच्चा पढ़े, सब एक एक शिक्षा हो जाए, सब हो जाए, तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाए। देश का अनुसूचित जाति जनजाति भी यही मानता है,
कि उसके साथ किसी भी जगह, जैसे आज भी कई राज्यों में आपको देखने को मिलता है, 70% बंगाल में SC ST के लोगों घर को उजाड़ दिया गया चुनाव के बाद। अब ये क्या है, लोकतंत्र वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वो अपने सेल्फ निर्णय नहीं कर सकता क्या? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, 24 बाल्मीकि को घर जला दिए गए, ये क्या है? बेंगलोर में कांग्रेस के ही दलित समाज के विधायक के घर पर आक्रमण कर दिया गया है। इसका मतलब है समाज जागरण करके सत्ता के समान निर्णय करने से एक विश्वास SC ST में जागृत करने की आवश्यकता है, आम समाज में हम सब एक हैं ये भावना जागृत करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता हम बैसाखियों पर चले, जब वो एक कानून एक संविधान की सब व्यवस्थाएं होती है, मुझे लगता है अनुसूचित जाति के लोग कहने लगे कि भैया हमको अब सब ठीक ठाक हो गया है, अब कोई चिंता करने की बात नहीं। तो इसमें अभी कांग्रेस ने 57 साल में ये नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। आप कहीं ऐसा प्लान बना रहे हैं कि कोई ऐसा रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, भारत सरकार को दे रहे हों, मंत्रालय को संबंधित को दे रहे हों कि साहब अब ये चेंजेस कर दिए जाए संविधान में और मुख्य धारा में हमको जोड़ दिया जाए? नहीं, मुख्य धारा में तो सभी जुड़े ही हैं, लेकिन अभी इस संवेदनशील विषय पर कुछ भी कहना मतलब मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि समाज जागरण, समाज की स्वीकार्यता और समाज के साथ तो होने वाले जो थोड़े बहुत अन्याय हैं वो जब बंद हो जाएंगे, बराबरी उनको दिखने लगेगी, तो मुझे लगता है वहीं से आवाज आएगी। इसलिए इन विषयों पर कोई भी कमेंट करना मुझे लगता है आज के समय में ठीक नहीं। लाल सिंह RG को आप सुन रहे थे। लाल सिंह RG ने जो उनको नया दायित्व मिला है उसके बारे में बताया, मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया ये भी बताया, और उन्होंने भविष्य के बारे में भी बताया। लेकिन उनको संगठन में काम करने में इस समय बहुत मज़ा आ रहा है। और लाल सिंह जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि जब सारे लोग शनि शनि मुख्य धारा में आ जाएंगे, सबको उनका अधिकार मिलने लगेगा, उसके बाद आरक्षण जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेमानी साबित होंगी। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।